नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। फतेहपुर जनपद के खागा मानू का पूर्वा रोडवेज बस स्टैंड छोड़कर ड्राइवर जीटी रोड पर खड़ी करते हैं बसें और फिर कोई और साधन निकलने में होती है परेशानी। आप लोगों को बताते चले कि खागा मानू का पूर्वा जीटी रोड पर रोडवेज बस स्टैंड बना हुआ है, जिसमें ड्राइवरों की लापरवाही के चलते किसी दिन बड़ी घटनाएं हो सकती है। इस बात को अभी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर बाद में तरह तरह की सिफारिश और समझौते की बात होती है। कई बार तो लोगों से झड़प हो चुकी है, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि सुबह 8 बजे से 3 बजे तक तो बसें अंदर जाकर सवारियां बैठाते हैं, लेकिन 3 बजे के बाद सभी ड्राइवर बस स्टैंड के बाहर ही बसें खड़ी कर सवारियां भरते हैं। और एक ड्राइवर से पूछा गया कि बाहर क्यों बस खड़ी करते हैं, तो कहते हैं कि बस खराब है। तुरंत बोनट उठा देते हैं कि बना रहे हैं। जब तक रोडवेज कर्मचारी संजय श्रीवास्तव रहते हैं तभी तक सही रहता है। आए सुने क्या कहा ड्राइवर और पप्पू तिवारी बिन्नू विश्वकर्मा ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। ये रोड बेच के बाहर क्यों बस लगाए? गाड़ी गड़बड़ है, तो आपको बस स्टाफ के अंदर ले जाना चाहिए। खींचो फोटो, खींचो पहले। गाड़ी जो गड़बड़ होती उनको ना ब्रेक लाग रहे, ना बंद हो पा रही, कहाँ बताओ। जब स्टेयरिंग नहीं कट रही कहाँ घुसे रहते। ये कौन सी जगह है भाई? नया बस स्टाफ मानो का पुरवा। तो ये जो बसें रोड पे क्यों खड़ी होती है? जो आप देख रहे हो जी, जी रोड पे खड़ी है जी। अचानक कोई आ जाए, रात कर रहा हो तो कई बार एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन ये लोग मानते नहीं। नहीं तो आप इतना बड़ा प्रांगण देखिए, आप उधर दिखाइए कितना बड़ा प्रांगण, 10 बसें खड़ी हो जाए, अंदर खड़ी एक देखिए, ये खड़ी एक वो खड़ी, उधर देख लीजिए जी। ये सब ऐसे ही खड़ी करते हैं, इनके लिए कोई कानून कायदा नहीं है। सब प्राइवेट आदमी के लिए कानून कायदा है, सरकारी रोडवेज के लिए कोई कानून कायदा नहीं। बस अड्डा खाली है, पूरा बस स्टाफ खाली है, लेकिन ये रोड में ही खड़ी करें। मतलब 99% इन लोगों की वजह से यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं।